بسم الله الرحمن الرحيم। वो जवान जो ही परवान चढ़ा उन फवाने शबाब आया तो उसकी पेशानी सजदे के तकद्दुस से माला माल हो गई, उसकी आंखों में हया और शर्म के पहरे आ गए, उसके ख्यालों में पाकीजगी आ गई, उसकी जिंदगी के शबो रोज नेकी के माहौल में बसर होने लगे, उसकी रातें जिक्र इलाही में, तिलावत कलाम मजीद में और दिन याद इलाही में रोजे से गुजरने लगे। वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी, क्योंकि जवानी अगर इबादत में गुजर गई तो बुढ़ापा तो पुरनूर है ही है। सबसे मुश्किल मरहला जिंदगी का जवानी का है। शैतान ज्यादा वरगलाता है किसी शख्स को जब वो जवानी के मरहलों से गुजर रहा होता है। तो जिसकी जवानी खैरियत के साथ गुजर गई और उसने अपनी जवानी के तकद्दुस को महफूज रख के मंजिल तक पहुंचा लिया, अपनी इस्मत के जौहर की हिफाजत की, अपनी आबरू को लुटने नहीं दिया, अपनी आंखों की शर्म व हया पर पहरे बिठाए और आंख को बर्बाद नहीं होने दिया और अपनी जिंदगी के तकद्दुस का पहरा दिया, तो जो जवान अपनी जवानी को खैरियत के साथ गुजार गया। किसी ने कहा था ना, किताब ज़िस्त का एक और बाब खत्म हुआ, शबाब खत्म हुआ, एक अजाब खत्म हुआ। तो जवानी जिसकी मंजिल तक पहुंच गई खैरियत के साथ, आफियत के साय में, मुश्किल तो बड़ा है जवानी को मंजिल तक ले जाना, खैरियत के साथ दागदार ना होने देना, जवानी के तकद्दुस को रुसवा ना होने देना, इस्मत के जौहर पे कालक ना लगने देना, ख्वाहिशात को गालिब ना आने देना। आसान काम तो नहीं है, मुश्किल काम है, लेकिन अगर कोई मुश्किल काट गया जवानी के थोड़े से अय्याम में गुजार गया। अल्लाह अकबर। हजरत शेख खतली कहते हैं, दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैह रहमा के मुर्शिद हैं, अद्दुनिया यौमन वला ना फीहा सौमन। वो कहते हैं दुनिया एक दिन है, हम रोजा रख के गुजार रहे हैं। तो रोजा रख के सारा दिन गुजर ही जाता है, दोपहर भी आती है गुजर जाती है, और असर का वक्त भी आता है गुजर जाता है, खाने का वक्त भी आता है, चाय का वक्त भी आता है, सब कुछ होता है लेकिन गुजर जाता है, इफ्तार तक बंदा पहुंच जाता है। जिसने जिंदगी रोजे की तरह गुजार दी, जिसने जवानी रोजा रख के गुजार दी, ख्वाहिशात को बेकाबू नहीं होने दिया, मुश्किल काम था लेकिन उसने मुश्किल काम कर दिखाया, अजर कितना बड़ा है। सुनिए अल्लाह के महबूब की जुबान से सुनिए, हुजूर ने इरशाद फरमाया जो सैयद अबू हुरैरा के जरिए से हमारे तक पहुंचा। फरमाया कयामत के दिन जब सूरज का रुख सीधा होगा, जमीन तांबे की होगी, लोग पसीने में शराबूर होंगे, कोई टखनों तक पसीने में, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, किसी को पसीने की लगाम दी जाएगी, और वो पसीना ऐसे नहीं होगा जिस तरह ये पसीना है, इतना गर्म होगा। इब्ने रजब हम्बली कहते हैं उस पसीने का एक कतरा अगर ओहद पहाड़ पर डाल दिया जाए तो वो पिघल जाए, इतना गर्म होगा, बदबूदार इतना होगा, एक कतरा दुनिया पर डाल दिया जाए इंसान क्या जानवरों के दिमाग भी फट जाए। उस पसीने में लोग शराबूर होंगे लेकिन जिसने अपनी जवानी को आफियत से गुजारा होगा, कल कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उस जवान पर अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाए। वो शख्स जिसको किसी औरत ने दावत गुनाह दी और वो साहिब मनसब थी, साहिब जमाल थी, और उसने ये कह के ये ख्वाहिश ये आरजू मुस्तरद कर दी, इन्नी खौफुल्लाह, इसी तरह कोई औरत है तो उसने अपने तकद्दुस की हिफाजत की, अपनी आबरू पे पहरा दिया और किसी पेशकश को ठुकरा दिया, तो फरमाया कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उसे भी अपने अर्श का ठंडा साया देगा। कैसा सख्त दिन होगा और वो किस एजाज में होगा, किस तकरीम में होगा। ये तो चार दिन, 10-20 साल हैं, और वो 50,000 साल का एक दिन, फिर उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा कि अल्लाह तूने कितना कर्म किया मेरे ऊपर कि मेरी जवानी खैरियत और आफियत से गुजरी और आज उसका तू कितना बेहतर सिला मुझको दे दे। तमाम अंबिया की तरफ से जो माजी में गुजरे हैं एक ज़र्बुल मसल के तौर पे बात मौजूद है, और ये बात मेरे और आपके अक़ा मौला ने हमें पहुंचाई, और वो ये कि इज़ा लम तस्तहे फसना माशेता, जब तेरे में हया बाकी ना रहे तो जो चाहे कर। क्योंकि हया माने होगा ना, ये बड़ा है, हया माने होगा कि ये माँ है, और ये बात मैंने नहीं कहनी,
हया रोकेगा कि ये बाप है, इसके सामने ये काम नहीं करना। हया रोकेगा कि ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ममानियत है और मैं हुजूर अलैहिस्सलाम का सामना कल क़यामत के दिन करना है। हया रोकेगा कि ये मेरे रब का फरमान है और क्या मेरा अल्लाह मुझे देख नहीं रहा। हया है तो गुनाहों से खुद ब खुद रोकोगे, कोई कैमरा नहीं तो फिर भी रुक जाओगे, कोई सिक्योरिटी नहीं तो फिर भी रुक जाओगे, कोई वॉच नहीं कर रहा फिर भी रुकोगे, बंद कमरे में भी रुकोगे अपने रब से हया कर। लेकिन अगर रब से हया नहीं होगा, उसके रसूल से हया नहीं होगा, तो फिर जो मर्जी करो, फिर तुम्हें ना कोई कैमरा रोक सकता है, ना बाप रोक सकता है, ना माँ रोक सकती है, ना बड़ा भाई रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें जब तुम्हारे अंदर हया नहीं है। हया होगा तो फिर गुनाहों से खुद ब खुद बचते चले जाओगे, बुरे आमाल से बचते चले जाओगे, बद अखलाकी से बचोगे, जुबान से जुमला निकालने से कबल सोचोगे कि ये जुमला मुनासिब नहीं है तो मैं इसको कभी भी नहीं बोल सकता, इसलिए कि हया माने हो जाएगा और तबीयतों के अंदर एक नूर पैदा होता चला जाएगा। और ये पर्दा जब उठ गया और ये डर जब खत्म हो गया तो फिर रास्ते साफ हो जाते हैं, जो मर्जी करता रहो कोई परवाह नहीं होती है। मदीनतुल मुनव्वरा में सहाबा तशरीफ फरमाते हैं कि एक खातून मुझे सियाह रंगत हबशी निजात, तो एक सहाबी फरमाने लगे अगर जन्नती खातून देखनी है तो ये खातून है। तो पूछा कि ये कैसे? कहा एक दिन ये खातून हुजूर के पास आई और इसने कहा हुजूर मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते तो मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि इस मरज से मुझे निजात मिले। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम कहो तो मैं दुआ कर देता हूँ और ये दौरे तुम्हें नहीं पड़ेंगे, और अगर तुम इन पे सब्र कर लो तो मैं तुम्हें जन्नत का वादा करूँगा। अब तुम्हारे हाथ में है जो चाहो करो। उस खातून ने बगैर तामुल के कहा मुझे जन्नत वाला वादा कबूल है, दौरे पड़ते रहे कोई बात, मुझे जन्नत वाला वादा कबूल है। लेकिन हुजूर एक कदम मेरे पर फैल गया, वो ये कि जब मुझे दौरा पड़ता है तो मैं गिर पड़ता हूँ, तो गिर जाने की वजह से सतर का ख्याल नहीं रहता, जाहिर बेहोशी हो जाती है। तो मेरे पे ये कर्म फरमाइए, दुआ कीजिए जब मैं गिरूँ तो अल्लाह मेरे सतर की हिफाजत करे। तो हुजूर ने ये दुआ कर दी। अब वो गिरती थी लेकिन उसका सतर नहीं खुलता था, अल्लाह अकबर। तो उसको कितना ख्याल था अपने पर्दे का, कितना ख्याल था अपने सतर का। ये जमाल है औरत का, औरत मस्तूर है, औरत को औरत कहा जाता है, मस्तूर सतर से है, ये पर्दे की चीज है। और अल्लाह जल्ला शानहू ने ओढ़नियाँ ओढ़ करके रखने की ख्वातीन को तलकीन की। आज जदीद मुफक्किरीन तो औरत के साथ मुसाफा के रास्ते भी निकाल रहे हैं। वो किसी ने कहा था ये औरत की आज़ादी नहीं है, ये औरत तक पहुंचने के लिए मर्द आज़ादी चाहते हैं। औरत समझती है मुझे आज़ादी मिल रही है, ये तुझे आज़ादी नहीं दी जा रही, ये तेरी आबरू को, तेरी इज्जत को, तेरी नामूस को तार तार करने के लिए ये मर्द आज़ादी चाह रही है, आवारा लोग आज़ादी चाह रहे हैं, तुझे खिलौना बनाना चाह रहे हैं। तो खिलौना नहीं है, तेरा पर्दा तेरी नामूस का मुहाफिज है, तेरे बुरके की एक एक सलवट तेरे हया का पहरा है। आज मगरब मुख्तलिफ जराए से हमसे ये जौहर छीनना चाहता है, तो अब हमारे ऊपर तहजीबी यलगार के जरिए से, मीडिया यलगार के जरिए से, तमद्दुनी यलगार के जरिए से, मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ अय्याम मनाने के जराए से हमसे अगर हमारे जौहरे हया को छीन लिया जाता है तो हमारे पल्ले क्या बचता है? क्या हम कुगु कोड़ा कौम है कि जो कोई लेके आए और उसी के पीछे चल पड़े? क्या हमें नहीं पता कि हम कौन है? हमारी भी कोई बुनियाद है, हमारी कोई साख है, हमारे अबाओ अजदाद हैं, हमारे ऊपर किताब उतरी है, हमारे आका नबियों के इमाम हैं, हमें पूरा कामिल अकमल दीन दिया गया है। क्या हम वसीउ जरफी के नाम से, रोशन ख्याली के नाम से सब कुछ इख्तियार कर लेंगे? या हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे दीन की शनाख्त क्या है? तो मेरे हुजूर ने फरमाया हर दीन की एक अलग शनाख्त, अलग पहचान और नमाया निशान और अलामत होती है। इस्लाम की वो नमाया अलामत हया है। अगर हया है तो दीन है, अगर हया नहीं है तो दीन नहीं है। तो अल्लाह हमें हया के नूर से माला माल करे।
हमारी नस्ल नौ की बिलखसूस हिफाजत करे, हमारी बेटियों बहनों और मस्तूरात इस्लाम बनाते दीन की अल्लाह ख़ास तौर पर हिफाजत फरमाए, आँखों में शर्म और हया के नूर को पैदा करे और हमारे बातिन भी हया के नूर से मालामाल।